हेलो हेलो हेलो, कैसे हो दोस्तों, कैसे हो बच्चों? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम हाजिर हैं आपके इस वीडियो में फिर से आपके साथ साथ सीखने के लिए। स्टार्ट करते हैं लर्निंग अपना। क्या सीख रहे थे हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी सीख रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये सब सीख लिए थे हम लोग। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे। दो तरह के ग्रुपिंग होते हैं, सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग, या सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, करंट जो होगा हर एक रेजिस्टेंस में क्या होता है, इक्वल होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखेंगे, करंट क्या होता है, सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है किसमें, सीरीज में। और इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चल रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस सब हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस इक्वल होगा, बट करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उस पर न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल को हम अच्छे से करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल कर रखे थे, आज हम मिक्स्ड ग्रुपिंग के साथ उसका न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सपोज की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, और ये मान लो कि 2 ओम है, ये क्या 4 ओम है, और ये क्या 6 ओम है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए, और मान लो ये है आपका बी, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसा भी दे सकता है, या फिर आप इसको इस तरह से भी बना के दे सकता है। ओके, इसमें मान लेते हैं कि ये जो है 24 वोल्ट का बैटरी भी लगा हुआ है। ए और बी आपको कैलकुलेट करना है, अगर आर इक्विवेलेंट ए बी या आर ए बी कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, देन आप क्या करेंगे, आप इसको 2 + 4 + 6 सीधा कर देते हो, ये हो जाता है आपका 12 ओम। ओके, 12 ओम दे दिया। ओके, सो आर इक्विवेलेंट आर ए बी ये हो जाएगा आपका, इसको भी 2 बोल दो 4 बोल दो या 6 बोल दो। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी की बात करेगा तो आपको इस तरह से कैलकुलेट कर रहे थे आप। अगर मान लो कि करंट पूछा, करंट इन सर्किट पूछ दिया आपसे, करंट इन सर्किट, और आपसे पूछ देगा करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टर, तो आप इसको क्या करोगे, सीधा आप कर दोगे I इक्वल टू क्या हो जाता है, I इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट इसमें हो जाएगा, दैट इज I इक्वल टू V है 24 वोल्ट, R इक्विवेलेंट है 12, तो ये हो गया I, जो हो गया आपका 2 एम्पियर करंट होगा। इसमें ही जो है क्वेश्चंस है ये, इसमें ही पूछ दिया अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर, तो आप क्या करोगे, 6 ओम रेजिस्टर्स को देखो तो 6 ओम रेजिस्टर्स में करंट कितना है, 2 एम्पियर, और 6 ओम रेजिस्टेंस है तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, तो आप लिखोगे V इक्वल टू आई है 2, आर का वैल्यू यहां पे 6 है, तो 12 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, और इसके अक्रॉस करेंगे तो 4 × 2 = 8 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 वोल्ट हो जाएगा, तो 4 + 8 कितना हो गया, 12 + 12 = 24, मतलब क्या, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड होता है अक्रॉस द रेजिस्टर, करंट क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, होपफुली आपने पिछले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन किया था। अब सिंपली इसको मिटाते हैं, आगे फास्ट फॉरवर्ड जाते हैं। अगर मान लो कि एग्जांपल हमारा 2 ओम ही है, तो सीधा आर इक्विवेलेंट आर ए बी की बात करेंगे तो आप जानते हो एन टाइम आर, अगर आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू आर थ्री इक्वल टू आर एन होता है इक्वल टू आर, देन ये हो जाता है आपका आर ए बी, जो हो जाएगा आर इक्विवेलेंट जो हो जाता है
एंड टाइम आर। सीधा इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक दो तीन, तीनों आइडेंटिकल है तो 3 × 2 = 6 ओम, ऐसा हम फटाफट कैलकुलेट कर सकते थे। चलिए ठीक है, आपने इसको कर लिया। ना हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, आपको समझाया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसको मिटा दे रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सपोज कि ये आपका है 6 ओम और ये है आपका 3 ओम और ये है आपका 2 ओम और इस तरह से है। दो टर्मिनल है सपोज यहां पे ए और बी, तो आपसे पूछा आर इक्विवेलेंट क्या होगा, सो आप करोगे 1/R equivalent और आर ए बी और आर इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या करोगे, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 कर देंगे, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 कर देंगे। सो इस केस में देखो 1/R equivalent क्या हो जाएगा, 1/6 + 1/3 + 1/2 हो जाएगा। सो ये देखो यहाँ पे LCM हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया 1 ओम, 1 ओम हो गया। R इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो 1 ओम हो गया। अगर पूछा आपको करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर, ओके, सो करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर आपसे पूछा गया इस केस में, तो देखो 6 ओम रेजिस्टर्स के ये लगा हुआ है और अगर यहां पे मान लो कि ये 24 वोल्ट दे रखा है, सो 6 ओम रेजिस्टर्स के अक्रॉस भी कितना होगा, 24 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर क्वेश्चंस है ऐसा तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन की बात करेंगे तो I6 की बात करेंगे, इसको I1 बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा 24, 6 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, 24 वोल्ट। V I = V/R, एज आप लिखोगे, एज क्या होता है I = V/R, सो I1 की बात करेंगे तो I1 की बात करेंगे, इससे मान लो कि ये यहां से सर्किट से करंट आ गया और ये I यहां पे पहुंचा, ये I1 I2 I3 में डिवाइड हो गया, ओके, यहां से I1 ही निकलेगा, यहां से I2 निकल के आएगा, यहां से I3 निकल के आएगा, वापस से ये क्या है I बना देगा और यहां से I ही एंटर करेगा, तो I सर्कुलेट हो रहा है इस तरह से, आप चेक कर सकते हो इसको। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स इक्वल बट करंट डिवाइड, ओके, सो इसमें 6 ओम के अक्रॉस भी 24 वोल्ट है, 3 ओम के अक्रॉस भी 24 वोल्ट है, 2 ओम के अक्रॉस भी 24 वोल्ट है, सो करंट थ्रू 6 ओम की बात करेंगे तो 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 24 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 6 ओम, तो ये हो गया 4 एम्पियर, ये हो गया आपका, यहां पर लिखते हैं, सो ये हो जाएगा 24/6 = 4 एम्पियर। अगर मान लो कि आपसे पूछा करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर, करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर, तो आप लिखोगे I3 = क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम के अक्रॉस कितना है 24, रेजिस्टेंस कितना है 2 है, तो 12 एम्पियर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा नेट करंट इन सर्किट या टोटल करंट इन सर्किट, और टोटल करंट इन सर्किट, तो आप इसको क्या करोगे, सर्किट में कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, आई की बात करेगा तो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस है 24 वोल्ट और सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 1 ओम, तो 24/1, तो 24 एम्पियर हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, देखो इसके अक्रॉस कितना होगा, इसके अक्रॉस 4 एम्पियर हो जाएगा, 24/6 = 4 एम्पियर हो जाएगा, I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 एम्पियर। इसके बाद 3 ओम की बात करेंगे तो 3 ओम के अक्रॉस भी 24 वोल्ट है, तो 24/3 ये भी 8 एम्पियर हो जाएगा,
और इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 24 है, इसके अक्रॉस भी 24 वोल्ट और रेजिस्टेंस 2 है, तो ये हो जाएगा 12। तो ये देखो 12 एम्पियर, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 4 24। आप ऐसा भी कर सकते थे, अलग अलग निकाल के फिर सबको ऐड कर दो। तो इसको अच्छे से एक बार काउंट कर लो, ओके। इसको समझ गए होपफुली, आप सिंपल ये फॉर्मूला लगा सकते थे इसमें। और देखो अगर नहीं भी कैलकुलेशन करना है आपको, इस तरह से फॉर्मूले में नहीं जाना है, तो आप 2 ओम रेजिस्टर्स की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद चलो 2 ओम से पहले अगर ऐसा है एक नेटवर्क तो उसकी भी बात कर लेते हैं। होपफुली ये यहां तक आप समझ गए होंगे बढ़िया से इसको। अगर फास्ट हो रहा है तो रिवाइज रिव्यू कर सकते हो इसको। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर लो, अगर ये मान लो क्या है, ये है 6 ओम, ये भी है 6 ओम और ये भी है 6 ओम, ए और बी है। तो अगर R इक्विवेलेंट और R AV पूछा आपसे तो क्या करना है, देखो यहां पे R इफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू RN इक्वल टू R होता है N आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है, N आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है R बाय N। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सारे आइडेंटिकल हैं और कितने हैं, 3 हैं, n का वैल्यू 3 है और r का वैल्यू क्या है 6 है, तो 6/3 कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा इसका वैल्यू। तो आप इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो आपको मन है तो ऐसा भी कर सकते हैं, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 है, तो आप लिखोगे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये आ जाएगा आपका 3/6 इक्वल टू आर 1/r इक्विवेलेंट। यहां से अगेन करेंगे r इक्विवेलेंट तो ये हो जाएगा आपका, ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 2। ओके, ऐसे भी कर सकते थे लेकिन शॉर्टकट मेथड याद रखेंगे, अगर सीरीज में n आइडेंटिकल है तो r इक्विवेलेंट n इंटू r हो जाता है, और पैरेलल में n आइडेंटिकल है तो r इक्विवेलेंट r बाय n हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से, ओके, एक को। So, इसको आप याद रखेंगे, होपफुली आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। नाउ हम टू रजिस्टर सिस्टम की बात कर लेते हैं, टू रजिस्टर सिस्टम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, टू रजिस्टर सिस्टम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। चलिए ठीक है जी, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे शॉर्टकट मेथड बहुत सारा आता है आगे भी, आप 12th में इसको अच्छे से ध्यान करके रखोगे तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। सो जैसे कि मान लो कि दो रजिस्टर है, एक को बोल देते हैं R1 और दूसरे को बोल देते हैं आप R2, और इसके अक्रॉस आपने लगा दिया है एक बैटरी पावर सप्लाई दे रहे हो, डीसी पावर सप्लाई, बैटरी कहने का मतलब डीसी, एसी की बात करेंगे बाद में, आपके सिलेबस में नहीं है। सो ये वी है, सपोज यहां से आई करंट गया तो ये करंट आई घूमते 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 यहां पे पहुंच गया आई, और ये आई डिवाइड हो जाएगा I1 में और ये डिवाइड हो जाएगा I2 में, और ये वी है, फिर यहां से I1 निकला, फिर यहां से I2 निकला, फिर यहां पे दोनों I1 I2 मिल गया, तो ये हो गया आपका आई, अगेन हो जाएगा आई, अगर बैटरी से गया है तो बैटरी को आई ही मिलना चाहिए, इस पॉइंट को हम याद रखेंगे। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 होता है, याद रखेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 PD अक्रॉस R1 इक्वल टू PD पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, इसको याद रखोगे। इसका मतलब ये क्या है, जो सप्लाई वोल्टेज है इसके अक्रॉस भी V पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस भी V पोटेंशियल डिफरेंस, अब इसका पोटेंशियल जो है पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों टर्मिनल के अक्रॉस अगर आप करंट एंड रेजिस्टेंस के टर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे I1 R1 इक्वल टू I2 R2 लिखेंगे, ओके,
इक्वल टू वी। चलिए ठीक है जी, इसको आप समझ लें। सो यहां से क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे I1 by I2 equal to क्या हो गया R2 by R1। ये पॉइंट याद रखेंगे, I1 by I2 equal to R2 by R1। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में I जो है ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए करंट जो होता है, करंट थ्रू रेजिस्टर क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टर्स। सो यहां पे याद रखोगे I1 by I2 equal to R2 by R1। सो और क्या लिख सकते हो आप, यहां पे I है तो नेट करंट इन सर्किट I की बात करेंगे तो I equal to क्या लिखेंगे आप, I1 plus I2 लिख सकते हैं, I1 plus I2 लिख सकते हैं। चलिए जी ठीक है जी, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहीं पे देखो I1 को क्या लिख सकते हो आप, यहां से अगर लिख सकते हो देखो, एंड I1 की बात कर ले तो I1 इक्वल टू, I1 को R1 R2 I2 के टर्म में लिखेंगे तो I2 R2 by R1, I2 R2 by R1 लिखेंगे। तो यहां से हमें ये I1 अगर यहां पे पुट कर दें, और आप क्या लिख सकते हो I2 को लिखोगे तो क्या लिखोगे, I1 R1 by R2 लिखोगे। देखो यहां से ही लिख सकते हो आप, I1 को लिखेंगे तो I2 R2 by R1 लिखेंगे, I2 को लिखेंगे तो I1 R1 by R2 लिख सकते हो यहां पे। चलिए इसको याद रखेंगे, पहला तो ये याद रखेंगे, ये करेक्टरिस्टिक्स याद रखेंगे, टू रजिस्टर सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आगे जाओगे ट्वेल्थ में तो क्विक क्वेश्चन जब सॉल्व करना होता है न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव, देन आपको ये फंडा जो है फटाफट आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो इसको याद रखेंगे, टू रेजिस्टेंस के पैरेलल सिस्टम में क्या होगा, I1 R1 equal to I2 R2 याद रखेंगे, I1 by R, I2 equal to R2 by R1, inversely proportional में होता है। ओके चलिए, सो इसको आप मिटा देते हैं, ये आप नोट कर लेंगे, नोट बनाएंगे आप लोग सब, बिना नोट बनाए कोई नहीं रहेगा, सब नोट बना के सेंड करते रहेगा ग्रुप पे। चलिए सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अगर हम को I1 को I के टर्म में लिखना है, I2 को भी I के टर्म में, मतलब कि I1 को I के टर्म में, I2 को भी I के टर्म में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे। सो देखो यहाँ पे I इक्वल टू I1 प्लस I2 था, I1 को हम I2 के टर्म में लिखेंगे तो I2 R2 by R1 प्लस I2, तो ये हो गया आपका। देखो यहां से क्या हो गया, I2 कॉमन ले लें तो R2 by R1 प्लस 1 हो गया जी। सो इसका मतलब क्या हो गया, देखो तो यहां पे आप लिख सकते हो इसको ही, I इक्वल टू लिख सकते हो I2, और ये हो जाएगा R2 प्लस R1 by R1, ऐसा लिख सकते हो। सो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, I2 को लिखोगे तो आप लिखोगे R1 by R1 प्लस R2 into I, and similarly अगर आप लिखोगे I1 को याद रखेंगे net current के term में तो आप लिखेंगे R2 by R1 plus R2 into I, इसको आप याद रखोगे। So total current के term में लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे I2 को, I1 को इस तरह से लिखेंगे। चलो जी ये इसको अच्छे से नोट कर लो, पहला का कंडीशन क्या था, I1 R1 equal to I2 R2, दूसरा I1 by I2 equal to क्या होता है R2 by R1 होता है, और उसके साथ साथ क्या होता है I2 को नेट करंट के टर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, I1 को नेट करंट के टर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे। चलिए इस पे एग्जांपल ले लेते हैं, इसको नोट कीजिए अच्छे से, एक बार ध्यान दे दीजिए, और इस पे हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि देखिए सबसे आसान होगा, जैसे कि मान लेते हैं ये 6 ओम है और ये 3 ओम है, और इसके क्रॉस अगर आपने 12 वोल्ट बैटरी लगा दिया है तो I1 का वैल्यू अगर पूछा जाए तो I1 का वैल्यू क्या होगा, अगर मान लो कि I1 है ये I2 है तो I1 का वैल्यू आप सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो,
बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 12/6 कर दो, रेजिस्टेंस ये हो जाएगा 2 ओम। और अगर I2 की बात करेंगे तो आप डायरेक्ट इससे कैलकुलेट कर सकते हो, 12/3 ये हो गया 4 ओम। या फिर ऐसे भी कर सकते थे आप, I2 इक्वल टू, अगर आपने I1 की ही कैलकुलेट कर लिया तो I2 इक्वल टू क्या कर सकते हो आप, I2 इक्वल टू कर सकते हो आप क्या बताओ, R1/R2 इंटू I1। अभी तो लिखा था ना एज I1R1 इक्वल टू I2R2। सो आप डायरेक्ट ऐसा करो या फिर इससे भी कर सकते हो, तो I2 इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, R1/R2 तो 6/3 इंटू I1 का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया 2, तो ये हो गया 4 एम्पियर। यहाँ पे 4 एम्पियर होगा, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। ओके चलो, तो इस तरह से आप कर लोगे। नेट करंट की बात करेंगे तो I इक्वल टू आप करोगे तो I1+I2 करोगे, तो ये हो गया जी कितना, I इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 2+ I1 का वैल्यू 4, I2 का वैल्यू 2, तो ये हो गया 4+2 6 एम्पियर हो गया। तो ये तो आसान था, जो जैसा कि प्रीवियस किए थे वैसा भी ये कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कैसे आएगा दूसरे की तरह से, इसको कैसे पूछा जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल में बता रहे, तो इसको आप समझ लो, अच्छे से पॉज करके समझ लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब इसमें ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। चलिए इसमें मान लेते हैं क्या है, 18 ओम है और इसमें मान लेते हैं 6 ओम है। ओके सो इसमें अगर मान लीजिए करंट है आपका कितना, इसमें करंट है आपका 12 एम्पियर, तो करंट अगर आपसे पूछा जाए करंट थ्रू 18 ओम रेजिस्टर, तो आपको दिख रहा है, देखो इस क्वेश्चन में एग्जांपल है, ये दिख रहा है 6 और 18 क्या है, पैरेलल है, 6 और 18 क्या है, पैरेलल है। सो अगर इससे 12 ओम रेजिस्टर 12 एम्पियर करंट जा रहा है, इससे कितना जाना चाहिए, तो आप जानते हो क्या, इसको मान ले I1, इसको मान ले I2 और इसको मान ले कि R1 है और इसको मान ले कि R2 है, तो आप सिंपली जानते हो I1/I2 इक्वल टू होता है R2/R1। सो I1 की बात करेंगे तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2/R1 इंटू I2, ठीक है। सो I2 का वैल्यू है 12 एम्पियर, सो 12 एम्पियर है I2 का वैल्यू, R2 का वैल्यू है 18, ठीक है जी 18 है, R1 का वैल्यू कितना है 6 है, I1 की बात करेंगे। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे R2/R1 है ना, हाँ R2, तो R2 का वैल्यू तो 6 है भाई, R2 का वैल्यू 6 है और ये 18 है, हाँ R1 18 है, सो 6/18 होगा। तो I1 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3 और 3 इसको डिवाइड कर देगा 4 से, तो 4 एम्पियर हो जाएगा। तो अगर इससे 12 एम्पियर है तो इससे 4 एम्पियर जाएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है करंट थ्रू 18 ओम। सो ये सिंपली आप क्या है कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह से, I1/I2 इक्वल टू R2/R1। चलिए ठीक है, अगर मान लो कि और भी एग्जांपल इस तरह से दे दिया आपको, एग्जांपल ऐसा है कि ये 4 ओम है और इससे करंट जो जा रहा है तुम्हारा 6 एम्पियर जा रहा है, और ये जो है आपका 1 एम्पियर है इससे करंट, और इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू मान लो R है, तो R इक्वल टू व्हाट, R का वैल्यू क्या होगा। देखो इसका रेजिस्टेंस जो है 4 ओम, इसका अननोन है और इससे 6 एम्पियर है, इससे 1 एम्पियर है, तो सिंपली ये देखो I1/I2 इक्वल टू क्या लिखोगे, R2/R1 लिखेंगे। सो I1 है 6, I2 है आपका 1 और R2 का वैल्यू R है और R1 का वैल्यू 4 है, यहां से R का वैल्यू आपको मिल जाएगा 6 इंटू 4,
24 ओम। आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर मान लो कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इसके साथ साथ पूछ देता, ऐसा ही क्वेश्चन दे देता, इसको ही मिटा देते, इसको मिटा देते। जैसे कि मान लो कि एक इस तरह से दे दिया आपका 4 ओम और ये जो है आपका 12 ओम और इसमें दे दिया आपका 1 एम्पियर, देन करंट पीडी अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। एग्जाम्पल ये है कि 4 ओम है, 12 ओम है, इससे करंट 1 एम्पियर जा रहा है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो सिंपली पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा। सो पीडी अक्रॉस क्या हो जाएगा, 12 ओम इक्वल टू पीडी अक्रॉस 4 ओम। ओके, सो 12 ओम के अक्रॉस क्या है, 12 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका पीडी अक्रॉस 4 ओम। सो ये हो गया आपका 12 वोल्ट, क्या हो गया 12 वोल्ट। तो पीडी अक्रॉस 4 ओम जो हो गया आपका 12 वोल्ट हो गया, ऐसा भी आपसे पूछा जाएगा। ओके, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सो जितना पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा, इसको आप ध्यान देंगे। चलिए ठीक है जी, और भी एग्जाम्पल इस पे ही पूछा जा सकता है, और भी एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। चलिए क्या हम बता दें इसको, यहां पे अगर मान लो कि ये I है और ये I1 है, I1 का वैल्यू क्या है आपका 2 एम्पियर मान लेते हैं, और ये है आपका 6 ओम और ये है आपका 36 ओम, ठीक है 36 ओम, और इसको मान लेते हैं कि 12 एम्पियर है जी, ठीक है। सो I का वैल्यू क्या होगा, I का वैल्यू क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है कि 6 ओम है, 36 ओम है, सो I1 का वैल्यू अगर 12 एम्पियर है तो I का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपली आप देख सकते हो, आप डायरेक्ट एक स्टेप में भी लिख सकते हो और दो स्टेप में भी लिख सकते हो। एज आप जानते हो क्या, I1 इक्वल टू क्या होता है, I1 की इक्वल टू बात करेंगे तो R2, इसको सपोज R1 बोल दो और इसको सपोज R2 बोल दो, R2 बाय R1 प्लस R2 इनटू I1 इनटू सॉरी I इनटू I हो गया। सो I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू हो जाएगा I1 इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2 कर दो, आप ऐसा भी कर सकते। सो ये सिंपली ये क्या आ जाएगा, I का वैल्यू अगर लिखोगे तो ये I इक्वल टू I1 का वैल्यू क्या है 12 है और इंटू R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, R2 का वैल्यू कितना है जी 36 है, R2 का वैल्यू कितना है 36 है। सो ये हो गया आपका 12 इंटू 3, 12 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 4, I जो हो जाएगा आपका 16 एम्पियर, 4 इंटू 4 16 एम्पियर हो जाएगा, I कितना हो जाएगा 16 एम्पियर। एक स्टेप में ऐसे निकालोगे, या दूसरा आपको फटाफट आप कर सकते हो I इक्वल टू I1 प्लस I2 भी कर सकते हो, I इक्वल टू I1 प्लस I2 भी कर सकते हो। I1 पता है तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2 लिख सकते हो, सो I2 R2 I2 का वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये I2 जो हो जाएगा आपका I1 R1 डिवाइडेड बाय R2, सो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, हाँ सॉरी I1 R1 डिवाइडेड बाय R2 करेंगे तो 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 36 कर दें, तो 6 जो है 36 को क्या करेगा, I2 की बात करेंगे तो I1 R1 डिवाइडेड बाय R2, तो ये हो जाएगा आपका
12 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 36, ये हो गया 6 और ये हो गया 2, तो ये हो गया 2 एम्पियर। I1 का वैल्यू 2 एम्पियर आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। हाँ, सो इसमें I की बात करेंगे तो 12 प्लस 2, अच्छा यहाँ पे 16 कैसे आएगा, कुछ तो मिस्टेक हुआ है नहीं। हाँ देखते हैं, R1 प्लस R2, 36 प्लस 6 42 ही होगा ना भाई। हाँ 42 होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 42 की बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा 14 एम्पियर होना चाहिए इसके थ्रू भी। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, 12 इसका 2 इसका 14, 12 प्लस 2 14 एम्पियर। तो कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, ये 14 आ रहा है। सो आई होप आप 2 ओम रेजिस्टर सिस्टम को पैरेलल कॉम्बिनेशन में समझ गए होंगे, 2 ओम रेजिस्टर सिस्टम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ गए होंगे। चलिए इस पे और भी सारा, और भी बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, उसको हम सीखेंगे आगे। और अब हम मिक्स्ड ग्रुपिंग की बात करते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग की बात करते हैं। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन टू रेजिस्टर सिस्टम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इसमें देखो यहां पे क्या करोगे, सपोज कि ये हमारा क्या है, R1 है, और ये क्या है आपका R2 है, और ये A है और ये B है। सो R AB की बात करेंगे क्या होगा, तो ये क्या होगा, 1 by R equivalent equal to क्या लिखोगे आप, 1 by R1 plus 1 by R2 लिखोगे। इसका LCM हो जाएगा R1 into R2, और इधर होगा R2 plus R1। सो यहां पे उसको रिवर्स करेंगे तो R AB का वैल्यू जो हो जाएगा आपका R1 R2 divided by R2 plus R1। याद रखेंगे टू रेजिस्टर सिस्टम में जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों के सम से उसको डिवाइड कर देंगे। सो सिंपली अगर मान लो कि हम एग्जांपल लेते हैं, इसको आप देख रखे होंगे, सिंपली एग्जांपल लेते हैं, ये 6 ओम है और ये जो है आपका 3 ओम है, ए और बी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो सीधा आर ए बी की बात करेंगे तो आप क्या करोगे, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 18 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज 2 ओम। ओके, फटाफट कैलकुलेट करना है टू रेजिस्टर सिस्टम में इक्विवेलेंट उसका क्या होगा, आप आर वन आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू करोगे, फटाफट कैलकुलेट करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए और भी ले लेते हैं एक दो, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं इसको 48 वाला है और ये जो है आपका 36 वाला है, ए एंड बी, तो आर ए बी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 48 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 48 प्लस 36। चलो इसमें जो आंसर आया ये ध्यान रखेंगे, ये देखो इक्विवेलेंट पैरेलल में जो होता है, पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा होगा। देखो ये 2 क्या है, छोटा वाला 3 है, उससे भी छोटा आ रहा है। 6 क्या है, छोटा वाला जो है, देखो यहां पे 6 जो है, इसमें 6 और 3 पैरेलल है तो इक्विवेलेंट इसका 2 आया, और 2 जो है 6 3 में छोटा, 3 है, 3 से भी छोटा हो रहा है। ओके, यहां पर भी देखोगे तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इसका वैल्यू 36 से भी छोटा आना चाहिए। ये पॉइंट याद रखेंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन द ब्रांच। ओके, सो ये यहां पे देखोगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा,
इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा जी 70 और 70 और ये कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो 48 × 36/84 की बात कर लेते हैं तो 84 जो हो जाएगा 4 से करें तो ये 12 हो गया और ये हो गया 21 और 3 से करें तो ये हो गया आपका 12 और ये हो गया आपका 7 और ये हो गया 12 144/7 ये अप्रोक्सीमेटली करेंगे तो ये 220 something 40 है तो 20.5 something ओम आएगा ये 144 तो 20.5 के आसपास जो आ रहा है तो 20.5 क्या है सबसे छोटा ये है दोनों में उससे भी छोटा है ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या है कि मान लो कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टर्स है बहुत बड़ा हाई मैग्नीट्यूड का है मान लेते हैं कि 10 10 is to 4 किलो ओम ओके बहुत बड़ा है 10 is to 4 किलो ओम और उसके क्रॉस अगर हम मान लें कि ये क्या है एक लगा दिए 1 ओम रेजिस्टर्स तो ए और बी सो आर ए बी का वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए लेस देन 1 ओम होना चाहिए ओके अब कैलकुलेट करते रहो बट आर ए बी का वैल्यू क्या होगा ये किलो ओम है मतलब कि इसको ओम की बात करेंगे तो 10 is to 7 लिख दो इसको 10 is to 7 सो यहाँ पे 10 is to 7 बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है और ये 1 ओम वाला लगाया तो आर इक्विवेलेंट जो होगा 1 ओम से भी कम हो जाएगा 0.1 ओम इसके क्रॉस अगर हमने लगा दिया तो आर इक्विवेलेंट जो है 0.1 ओम से भी कम हो जाएगा। ऑब्वियसली क्या है कि अगर मान लो कि ये पाथ नहीं होता तो ये जो करंट यहां से जाएगा ये जो करंट जाएगा ए से बी को जाएगा करंट अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो ए और बी के बीच में तो ए से बी को करंट जाएगा तो ये इसी पाथ से होके जाएगा सो उसको बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन क्या है सामना करना पड़ेगा ओके। जैसे कि मान लो कि पुराने जमाने में हाईवे नहीं होते थे पहाड़ ही पहाड़ था ओके जंगल ही था ना कोई साधन था तो आदमी क्या है पहाड़ जंगल वाला रास्ता ही चूज कर लेता था। अब उसी पहाड़ जंगल के बीच में क्या के बाजू में अगर हाईवे बना दिया तो पहाड़ से होके पहाड़ क्यों जाएगा आदमी पहाड़ जंगल का से क्यों जाएगा हाईवे से होके क्यों नहीं जाएगा एक शहर से दूसरे शहर ओके। तो जैसे कि आप मान लो कि इसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है और ये जो है अगर मान लो कम रेजिस्टेंस वाला बिल्कुल नहीं के बराबर जो कि है तो अगर कम रेजिस्टेंस वाला हमने इसके अक्रॉस इसको ऑप्शन दे दिया ये इस वाले करंट को ऑप्शन दे दिया तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा करंट क्या है कम जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा उस पाथ को अवे करेगा कम ऑब्स्ट्रक्शन जो होगा उसके पाथ को फॉलो करेगा। सो ये याद रखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट जो होगा वो जो सबसे छोटा जो होता है कॉम्बिनेशन में उससे भी छोटा होना चाहिए। अब मान लो कि तुमसे हम पूछें कि ये जो है 24 ओम है और ये जो है आपका 12 ओम है और ये जो है आपका 6 ओम है ठीक है और ए बी है और आपको पूछा गया एग्जांपल है आर ए बी क्या होगा आर ए बी क्या होगा अगर ऑप्शन जो है आपका 48 ओम बी है आपका 22 ओम सी है आपका 8 ओम और डी है आपका मान लेते हैं कि व्हाटएवर भी डी जो होगा 4 ओम हो जाएगा ये 12 6 का कितना हो जाएगा 12 × 6/12+6 4 इसका देखो इस दोनों को दो रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो 12 और 6 का इक्विवेलेंट 12 × 6/12+6 अभी हम लोग चेक कर रहे थे तो 12 × 6 = 72/18 4 ओम इस दोनों का इक्विवेलेंट हो गया 4 तो अब ये 24 और 4 क्या हो गया आपस में हो गया तो 24 × 4 हो गया आपका 96 और 96 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 24 + 4 है 28 तो मान लेते हैं कि ये जो है आपका 3.9 ओम
चलो व्हाटएवर भी 3.6 ओम होगा। तो ऐसे ऑप्शन में आपको कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है, 1 by R1 equal to 1 by R1 plus 1 by R2 equal to 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। आप पहले ऑप्शन चेक करोगे, ऑप्शन चेक करोगे क्या इसमें सबसे छोटा 6 है, 6 से भी छोटा कोई ऑप्शन है तो हाँ एक ही है, ये है और एक ही है, ये भी क्या है 6 से बड़ा हो जाएगा। तो सबसे क्या है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होना चाहिए सबसे छोटा जो है उससे भी छोटा मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। तो उसके लिए तो एक ही ऑप्शन है, हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, हमें ये 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 or 1 by R equivalent equal to 1 by 24 plus 1 by 12 plus 1 by 6, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली आईक्यू चेक करना है, आपको आईक्यू लगाना है कि ऑप्शन पहले देख लेते, ऑप्शन से बन रहा है तो ठीक है, अगर इसमें ही मान लो कि 2.6 3.6 1.6 तीनों ऑप्शन आ जाता तो जो कि तीनों जो है 6 से छोटा है तब उसमें कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन एक ही ऑप्शन है जो कि सबसे छोटे से छोटा है तो आसानी से फटाफट उसको हम मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई अगर सही हो सकता है तो यही वाला सही हो सकता है, नहीं तो बाकी कोई सही नहीं हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। ये जो भी पॉइंट बोला गया है आपको, जिस पॉइंट पे भी हमने एक्सेंचुएट किया है उसको आप अच्छे से नोट करोगे, उसको याद करके रखोगे, उस पे नेक्स्ट वीडियो में भी फिर से हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। सो होपफुली आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अभी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का और भी क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा अच्छे से सीखेंगे। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसको प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पेपर भी दिया जाएगा प्रैक्टिस पेपर करने, जो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए उसको भी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, सो होपफुली इसको एक बार दो बार तीन बार करके आप अच्छे से इसको समझ लेंगे और इससे सीओ 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का रहता है बोर्ड में। सो इसको आप ध्यान देंगे और आगे 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहीं पे सीख लिए तो वहां पे आसान हो जाएगा चीजें समझना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सो होपफुली उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, थैंक यू, ओके।